हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है डे टू, तो मैं हो गया हूँ रेडी और सुबह 8 बजे का मेरा टूर एंड ट्रेवल्स के साथ ट्रिप है। तो बस आएगी मेरे को पिकअप करने और वो गोल्डन सर्कल है आज मेरा प्लान्ड डेस्टिनेशन। तो गोल्डन सर्कल घूमें, गोल्डन सर्कल में 4-5 डेस्टिनेशन वो हमें दिखाएंगे, तो उसी के लिए मैं बस तैयार हो रहा हूँ। और दो चीज़ें मैं कल बताना भूल गया था डे वन में कि आइसलैंड में जो सिम है मेरा वो आयरलैंड वाला ही चल रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है तो चल रहा है मेरा सिम, रोमिंग पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, नेट बढ़िया चल रहा है। कॉल्स तो मैं वैसे भी नहीं करता किसी को यूरोप में, तो नेट ही चाहिए, तो नेट बढ़िया चल रहा है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो सॉकेट है चार्जिंग के वो डिफरेंट है, ये आयरलैंड की तरह नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ। तो देखो यार, ऐसे सॉकेट है, आयरलैंड की तरह नहीं है, आयरलैंड में तो बिल्कुल ही अलग है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ट्रैवल एडाप्टर लेकर ही आया हूँ अपने साथ, जो मैं इंडिया से लेकर आया था आयरलैंड के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो यही वाला ऑप्शन मैं लगा के यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे चार्जिंग वगैरह, तो ये काफ़ी हैंडी है और मेरा काफ़ी स्मार्ट मूव निकला। तो मैं आगे अपने होटल के बाहर, ये है मेरा होटल अस्का, और बस आएगी 8 बजे और 8 लगभग बज ही चुके हैं, मेरे होटल पर ही पिकअप करने आएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस का, और जैसे बस आएगी मैं बैठूंगा, जाऊंगा ट्रिप गोल्डन सर्कल पे और आपको दिखाता रहूंगा मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। अभी हमें निकले हुए 40-45 मिनट हुए हैं और बस ने हमें यहाँ रोक दिया, एक टाउन है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वॉशरूम वगैरह करना हो तो ठीक है, क्योंकि आगे कोई जगह मिलेगी नहीं। तो ये है, और भाई यहाँ के नज़ारे, वो मेरी बस है, और नज़ारों की बात करूँ यार, वादिया जो है यहाँ पे अनरियल है, गज़ब, मतलब पहाड़ दिख रहे हैं, माउंटेन, मतलब बर्फीली पहाड़, तो मज़ा आ रहा है देखने में। और वेदर अच्छा है आज, हवा नहीं चल रही है बता रहे, और जो हमारा गाइड है वो भी काफ़ी कहानियाँ सुना रहा है, किस्से सुना रहा है आइसलैंड के बारे में, यहाँ की कैपिटल के बारे में, वोल्केनिक इरप्शन, काफ़ी चीज़ें बता रहा है, अच्छा है, एंटरटेन रख रहा है हमें, और बता रहा है यहाँ पे बैटमैन मूवी की शूटिंग हुई आइसलैंड में, ओब्लिवियन, वाइकिंग्स, गेम्स ऑफ थ्रोन, तो ना काफ़ी सारी मूवीज़ और सीरीज यहाँ शूट हुई हैं। ये हैं हमारे गाइड आदि, और अब हम जा रहे हैं वोल्केनिक क्रेटर पे, वहाँ जाना है चढ़ाई करके, तो यहाँ से अपना स्टार्ट होगी जर्नी चढ़ाई की। तो ये है अपना फर्स्ट स्टॉप आज के दिन का, वोल्केनिक क्रेटर। तो यार नज़ारे तो यार गजब है, कुछ भी कहो। तो वोल्केनिक इरप्टर ये है मेरे पीछे, क्रिएटर, सॉरी, वोल्केनिक क्रिएटर तो अभी जमा हुआ है ये, वैसे तो मैं दिखाता हूँ, ये है वोल्केनिक क्रेटर जो हम देखने आए हैं आज। ऐसे रास्ते से जा रहे हैं हम, और जाने का तो कुछ नहीं है, ऊपर से भी यही चीज़ दिखेगी जो यहाँ से दिख रही है, बट वही है, अब चलने का भी अपना ही मज़ा है। जाने को मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ, नीचे से देख सकता हूँ, बट इज़ बट, रहन दो, यही ठीक है। बहुत ठंड है भाई, आप देख ही सकते हो, नाक लाल हो गई है, हाथ भी लाल पड़ गए हैं, बट कोई नहीं, ये नज़ारा भी देखना बहुत ज़रूरी है, घूमने आई है तो इतना तो सहना पड़ेगा, और क्या, बस यही है फर्स्ट स्टॉप पे, तो यही है देखने का, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या दिखेगा। अब हमारी ये सेकंड डेस्टिनेशन आज के दिन की, सीक्रेट लगून, ये है हॉट बाथ, हॉट स्प्रिंग, थर्मल बाथ, स्विमिंग पूल है गर्म पानी का, जैसा कि मणिकरण में होता है, और खीर गंगा ट्रैक पे होता है ऊपर, तो वहीं जाएंगे। ये हमारा ग्रुप है, चेंज कर लिया है यहाँ पे, लगून में जाने से पहले, सीक्रेट लगून है, पहले हमें शावर लेना है, उसके बाद हम थर्मल बाथ के पूल में जा सकते हैं, यहाँ से लेंगे बाथ फिर जाएंगे वहाँ। ये है पूल यार, सीक्रेट लगून, हम भी बस जा रहे हैं, ठंड लग रही है अभी तो बाहर, चलते अंदर,
ये भी ब्लू लगून का ही ऑल्टरनेट मान लो, वो भी बंद है तो इसमें जा रहा हूँ। ले रहे हैं भाई डुबकी हम भी गर्म पानी में, गर्म तो है थोड़ा, 30-40 डिग्री के बीच में है, मज़ा आ रहा है। एक चीज बताना भूल गया, ये जो सीक्रेट लगून है ये ओल्डेस्ट पूल है आइसलैंड का, और बढ़िया यार गर्म लग रहा है इस ठंडे मौसम में इस पूल में जाना। अब थोड़ी धूप खिली है तो अच्छा लग रहा है। मैं तो नहा लिया, मैं कपड़े भी पहन लिए, अब मैं थोड़ा घूम लेता हूँ यहाँ चारों तरफ कैसा है वो भी देख लेते हैं। ये देखो भाई कैसी धुआं निकल रहा है, कितना गर्म है, मतलब ये समझे ये है थर्मल बाथ। ऐसा ही है सीक्रेट लगून के आसपास, ये सारे ये भी 100 डिग्री बॉइलिंग कर रहा है देखो, और वहाँ पे ये ग्रीन हाउस है, यहाँ पे ग्रीन हाउस भी बहुत हैं आइसलैंड में, और बस यही है, बढ़िया है, सबसे ओल्डेस्ट पूल है जैसे मैंने बताया ही आपको। आज के दिन की तीसरी डेस्टिनेशन है हॉट स्प्रिंग, गीजर बोलते हैं इसको, तो वहीं जा रहा हूँ। हॉट स्प्रिंग मतलब वही पानी गर्म गर्म निकलता हुआ दिखेगा, और बस वहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे खाने पीने के लिए भी रुकेगी बस हमारी, और गाइड बता रहा था यहाँ पे पिक पॉकेट बहुत होती हैं तो उसका भी ध्यान रखना है। ये देखो भाई ये इतना गर्म है पानी, और ये है गीज़र, बस यही देखना है, और इसमें उंगली बिल्कुल नहीं डालनी, जल जाओगे भाई। तो इस जगह में ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं, उबलता हुआ पानी है, अगर वहाँ से दिखा सकूँ तो कोशिश करता हूँ। ये देखो ऑल नेचुरल, तो ये सीन है यहाँ इस जगह का। यही था इस जगह पे, ये उबाल देखना था, ये जो निकलता है ऊपर उछलता है काफ़ी लंबा होता है, तो यही था देखने का यहाँ पर। और वीडियो में तो मैंने आपको दिखा दिया, बट लेकिन मेरे को 10 से 15 मिनट ऐसे रिकॉर्डिंग करके रखनी पड़ी थी ये चीज़ देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं आज के दिन की चौथी डेस्टिनेशन गल्फोस वाटरफॉल, इसी के रास्ते पर चल रहे हैं, और ये मेरे पीछे का नज़ारा है, ये रहा वो वाटरफॉल। और पास से दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे उतर रहे हैं, नीचे से दिखाता हूँ वाटरफॉल का नज़ारा। आइसलैंड के घोड़े, ये होगी आज के दिन की पांचवी डेस्टिनेशन, तो वहीं जा रहे हैं। यहाँ से कुछ व्यू पॉइंट दिखता है तो वही देखूंगा। ये मेरा ग्रुप, ये हमारी बस, और ये यहाँ की वादियाँ एज यूजुअल, बर्फीले पहाड़। तो ये है हमारी पांचवी डेस्टिनेशन का व्यू पॉइंट। तो ये जो आप सेपरेशन देख रहे हो, ये हुआ है काफ़ी हज़ार साल पहले अर्थक्वेक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, ये दो अलग हो गई हैं चीज़ें। और दिखाता हूँ, ये भी देख लो, ये है एक और व्यू पॉइंट यहाँ पे। Yeah.
वहां से मैं चल के आया हूँ। इस जगह की एक और बात खास है कि यहाँ से आइसलैंड का जो पार्लियामेंट था या कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई थी तो यहीं से हुई थी, इसी जगह से। तो यहाँ से भाषण दिया था उस बंदे ने जिसने स्टार्ट किया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है इस जगह की। और व्यू तो प्यारा यार हर जगह से ही आइसलैंड में। एक और व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ जो है उधर जहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, और मैं भी यहाँ गया हुआ था नीचे जो मैंने जगह दिखाई थी। ये है व्यू टॉप से, ये लेक देख सकते हो, माउंटेन्स, वहाँ हमारी बस है। तो यही थे आज गोल्डन सर्कल वाले रूट पे जगह, पांच ही जगह होती हैं इस रूट पे, तो वो सारी पांचों देख लिए। अब निकलेंगे घर की तरफ होटल में और देखते एक और चीज़ होगी आज, बताता हूँ आगे। तो शाम के बज गए 6 और मैं पहुँच गया अपने होटल पे, बस वालों ने ड्रॉप कर दिया। तो बढ़िया दिन रहा यार, डे टू, मतलब काफ़ी जगह घुमाई अच्छे से, एकदम बताया। टूर और पैकेजेस का बुक करवाने से तो फ़ायदा रहता है, जो गाइड हमें मिलता है ना वो एकदम नॉलेजफुल होता है, एंटरटेन रखता है पूरे टाइम, हिस्ट्री बताता है, स्टोरीज सुनाता है, तो मज़ा आया। मतलब डे टू सक्सेसफुल रहा। करेंगे अब थोड़ा आराम, रात के बज रहे 9:30। अब मेरे को बस आएगी दोबारा लेने, क्योंकि अब है नॉर्दर्न लाइट्स का टूर, तो वो रात को ही दिखती है नॉर्दर्न लाइट्स। तो होपफुली यार वो मेरे को दिख जाए, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है और उसी के लिए स्पेशली मैं आइसलैंड आया हूँ। तो उम्मीद करना कि मेरे को दिख जाए। तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बस आएगी और जहाँ से दिखती होंगी वहाँ लेकर जाएंगी। तो मैं नॉर्दर्न लाइट्स देख के आ गया अपने रूम पे, तो वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा था, ऑब्वियसली कुछ दिखता नहीं। तो मैं फ़ोटोज़ दिखा दूंगा नॉर्दर्न लाइट्स की। तो यार फाइनली मेरा आना सफल हुआ आइसलैंड में, क्योंकि मैं नॉर्दर्न लाइट्स के लिए ही स्पेशली आया था और वो मैंने देख ली। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सोचता था नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में कि वो हमें आँखों से दिख जाएंगी लाइट्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी मैंने फ़ोटोज़ दिखाई और जो नॉर्दर्न लाइट्स देखी है वो कैमरे के थ्रू ही दिखती हैं, नेकेड आइज से हमें सिर्फ वाइट वाइट से ही कुछ रोशनी से दिखती है आसमान में, और कैमरे से फ़ोटो खींचे हुए तभी वो हमें कलर्स दिखते हैं, ग्रीन, रेड या और भी कलर्स। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे को आज तक पता ही नहीं थी, तो ये मैं भ्रम में था। तो मैं आ गया घर पर, अब मैं सो जाऊँगा, तो मेरा डे टू हो गया ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।